जय श्री कृष्ण मित्रों, जय माँ शमशान काली। कैसे हो आप? आशा करते हैं बेहतर होंगे। आज आपके समक्ष लेकर आए हैं मात्र एक गुलाब के फूल से वशीकरण कैसे किया जाता है। आप इस वीडियो को अंतिम तक पूरी देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज की। आपको इतना ज्ञान मिलेगा जिसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते, और ऐसा आपको ज्ञान कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। मैं अपने बहुत से वीडियो में बोल चुका हूँ, इंटरनेट पर 95% फ्रॉड लोग हैं, ढोंगी पाखंडी लोग हैं, जो सिर्फ आपसे पैसों की ठगी करेंगे, आपका समय खराब करेंगे, आपका पैसा खराब करेंगे और आपको गलत ज्ञान देंगे। आपने बहुत से उपाय देखे होंगे, किए भी होंगे, लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही होगी। उसका भी कारण मैं बता चुका हूँ। बहुत से लोग सिर्फ पैसों की ठगी करने के लिए बैठे हैं, किताबी ज्ञान दे रहे हैं जिसका तंत्र मंत्र से कोई भी लेना देना नहीं है। और यदि आप वो उपाय भी करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। काम बनने की जगह आपके काम बिगड़ जाएंगे, और जब आप किसी को भी पैसा दे दोगे, शुल्क दे दोगे, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा या आपसे गलत बात करेगा या आपसे और पैसों की मांग करेगा। तो ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों से बच के रहें। मैं अपने बहुत से वीडियो में आपको ऐसे ऐसे उपाय दे चुका हूँ जिसकी सहायता से आप अपने प्यार को पा सकते हो। यदि आप तंत्र मंत्र सीखने में इच्छुक हैं तो आप तंत्र मंत्र भी सीख सकते हैं। यदि आप मेरी बातों का और मेरे उपायों का, नियम का पालन करते हैं, यकीन मानिए 100% आपको सफलता दिलाने में कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यदि आप नियम को पालन करते हैं और यदि आप उपाय के दिए हुए सभी तरीकों को सही से पूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप इंटरनेट पे बहुत से ऐसे उपाय देखते हैं, छोटे छोटे मंत्र दे देते हैं, 2 शब्द के, 3 शब्द के, और यदि आप वो उपाय भी करते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पाती। जब आप निराश हो जाते हो तो आपने जिनकी वीडियो देखी है, जिनने आपको उपाय दिया है, उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपके प्यार के ऊपर किसी इंसान ने वशीकरण किया हुआ है। आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, आपको झांसे में लाएंगे ताकि आप उनकी बातों का यकीन करें। और जब आप उन्हें पैसा दे देंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, गलत बातें करेंगे, गाली गलौच भी कर देंगे। तो मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन इंसान असली है, कौन इंसान नकली है। ढोंगी पाखंडी लोगों की पहचान कैसे की जाती है, अब ये समझिएगा आप। यदि कोई इंसान बिना कुछ चेक करे आपको ये बोल देता है कि आपके प्यार के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, इतना पैसा दे दो आपका काम हो जाएगा, ऐसे लोगों से तो आप दूर ही हो जाओ। यदि कोई इंसान इतनी मेहनत करता है, साल भर की मेहनत करता है, उसे कोई शक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है या भगवान की कृपा होती है, तो कभी भी वो निशुल्क में अगर कोई सेवा करता है तो वो सेवा कर देगा। और वशीकरण और मारण में कोई भी अच्छा जो साधक होगा या भगत होगा, वो कभी भी वशीकरण मारण नहीं करेगा किसी के लिए भी। यदि कोई तंत्र से परेशान है, नकारात्मक शक्तियों से परेशान है, भूत प्रेत को लेकर परेशान है, तो आपने देखा होगा बहुत से दरबार लगे हुए हैं, बहुत सी गद्दियाँ लोग चलाते हैं, अघोरी तांत्रिक है, आप उनके स्थान पर जाइए, अपनी समस्या दूर कराएं, उसमें स्थिति में निःशुल्क उपाय हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जितनी हमने मेहनत करी है, जितने हमने तप किया है, तो हमने तो अपना शुल्क रखा है ताकि हमारी जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा के अनुसार हम किसी का चेक करते हैं तो शुल्क लेते हैं। और जो हकीकत बात होती है, किसी ने तंत्र मंत्र किया है या नहीं भी किया, वजह क्या है, कब से समस्या चल रही है, सब कुछ हम बताते हैं। और हमने सभी आपको सावधान करके रखा है, ढोंगी पाखंडी लोगों से आप सावधान रहें। किसी को पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा। मैंने अपनी वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों के अनुभव देख सकते हो, किस तरीके से लोगों के कार्य करे हैं हमने, या जो लोग उपाय लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम शुल्क में हमने उपाय दिया है। उपाय का शुल्क हमने क्यों रखा है, ताकि हम लोग आपके लिए समय निकालते हैं। आप ऑनलाइन क्रिया करते हैं या करवाते हैं तो जो समय होता है उसका हम शुल्क लेते हैं, अन्यथा फालतू का कोई शुल्क नहीं लेते। आज जैसे कि मैं आपके समक्ष निःशुल्क में आपको उपाय दे रहा हूँ, जो लोग मेहनत कर सकते हैं उनको सफलता मिल जाएगी, जो लोग मेहनत नहीं कर सकते
और ढोंगी पाखंडी लोगों के चक्कर में फंसेंगे, छोटे छोटे उपाय की खोज में लग जाएंगे। उनका कुछ नहीं हो सकता, समय खराब होगा, परिवार बर्बाद होगा, गलत उपाय करोगे, नकारात्मक शक्तियाँ का वास हो जाएगा घर में, पितृदोष, कुल देवी देवता दोष, ग्रह दोष, इस तरह के दोष भी लगेंगे, फिर आप दोष देते हो तंत्र मंत्र होता ही नहीं है। खुद आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर बोलते हैं तंत्र मंत्र होता ही नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। जब आप परेशानी में होते हो तो भगवान को क्यों याद करते हो, मत किया करो। यदि पहले ही भगवान को आप याद कर लेते तो परेशानियों में नहीं पड़ते आप। अब आप मेरी बात समझ गए हैं तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। चलिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। मात्र एक गुलाब के फूल से किसी भी इंसान को अपने वश में कैसे किया जाता है, वीडियो को अंतिम तक पूरी देखिएगा। वीडियो के अंतिम में मैं बहुत से ऐसे आपको गुप्त बातें बताऊंगा जिसकी मदद से आप सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। सब प्रथम तो आप ये उपाय सुने। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु का, कामरो देश कमक्खे देवी, तह ठह ठह स्माइल जोगी, जोगी के आंगन फूल क्यारी, फूल चुन चुन लाए लोना चमारी, फूल चल फूल फूल बिगासे, फूल पर वीर महावीर मोहिनी बसे, नाम को मेरे वश में लाए, बहु ना छोड़े मेरी आस, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूलो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्रों मैंने जिस स्थान पर नाम का उच्चारण किया है उस स्थान पर आपको जिस भी इंसान को वश में करना है उसका नाम जाप करना है। आपको ये उपाय शनिवार से आरंभ करना है। यदि आप किसी शुभ दिन पे करते हैं तो दो दिन या तीन दिन में आपको ये उपाय करना है, और यदि किसी अन्य दिन पर करते हैं तो शनिवार को आपको ये उपाय आरंभ करना है। अपने समक्ष लाल वस्त्र बिछाइएगा और आसन बिछाइएगा, पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। अपने समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिएगा, 16 सिंगार रखिएगा, मिठाई में भोग रखिएगा, नारियल रखिएगा। समय जो रहेगा रात्रि के 10 बजे के बाद का रहेगा, और आपको इस मंत्र का यदि किसी शुभ दिन पर करते हैं तो 3 माला जाप करनी है, यदि किसी अन्य दिन पर आप करते हैं जैसे शनिवार से आरंभ करते हैं तो 2 माला आपको जाप करनी है। माँ कामाख्या देवी का आपको ध्यान करते हुए सब प्रथम तो संकल्प लेना है। विधि विधान मैंने बताया हुआ है सबको कि किस तरीके से संकल्प लिया जाता है, चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं संकल्प की मेरी। उसके बाद आज्ञा लेनी है अपने पितरों से, कुल देवी देवताओं से, उसके बाद आपको ये उपाय शुरू कर देना है। अब ध्यानपूर्वक बात ये सुनिएगा आप, ताकि आपको सफलता दिलाने में और सफलता मिलने में ज़्यादा समस्या ना हो। नियम को आपको पालन करना है, जो आपको नियम बताए जाएंगे, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन रखना, सात्विक भोजन करना, जो आपने संकल्प लिया है किस लिए ये उपाय आप करने जा रहे हैं संकल्प को पूरा रखना, समय का आपको ध्यान रखना है, समय में आपको बदलाव नहीं करना कि आज आप 10 बजे बैठ गए हैं उपाय करने, अगले दिन आप 11-12 बजे बैठ रहे हैं, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, समय में बदलाव नहीं करना बिल्कुल भी। किसी को उपाय के बारे में नहीं बताना है, किसी भी तरह का आपको नशा नहीं करना, और खास ध्यान रखिएगा जो आपको समय बताया गया है उपाय करना, उसके अलावा आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं, जैसे चलते फिरते कोई भी कार्य करते समय, इससे आपको सफलता में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। स्वच्छता का आपको खास ध्यान रखना है, गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी। धुनी आप जलाएंगे अगरबत्ती या धूपबत्ती, वो खुशबूदार गुलाब की हो, और ये आपका जब मंत्र पूरा हो जाए, विधि विधान पूरा हो जाए, मात्र आपको एक गुलाब का फूल लेना है, इसी मंत्र को 11 बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद गुलाब के फूल के ऊपर फूंक मार देना है। यदि वो इंसान आपसे कोसों दूर है तो उस फूल को लेकर उसकी तस्वीर पर रख दीजिएगा और माँ कामाख्या से प्रार्थना करिएगा कि ये इंसान आपके वश में हो जाए, और उसकी तस्वीर पर फोटो पर वो गुलाब का फूल रखकर कलावे से लपेट दीजिएगा और बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। आपको 2-3 दिन में ये इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आप सबसे बेहतर रहता है, यदि आप उस इंसान से मिलते हैं तो उसको गुलाब का फूल दे दीजिएगा, या दे नहीं सकते उसके शरीर पर फेंक दीजिएगा, ये बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए, शरीर पर फेंकने के लिए या उसको देने के लिए, आपको तुरंत इस उपाय का असर देखने को मिल जाएगा। यदि उचित नहीं रहता कि आप उससे नहीं मिल सकते,
तो आप पानी में बहने वाला तरीका का उपयोग कर सकते हैं। अगला आपको खास ध्यान रखना है, जब आप ये उपाय करेंगे किसी से आपको झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। शक्ति परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। खास ध्यान रखिएगा, जो लोग तंत्र मंत्र सीख रहे हैं उनको मैं विशेष जानकारी देता हूँ, शक्ति किसी भी रूप में आपके समक्ष आ सकती है। इंसान के रूप में भी आ जाएगी, आपसे मदद मांगेगी। यदि आप उस इंसान की मदद कर देंगे तो आपका उपाय बिल्कुल 100% सफल हो जाएगा। यदि शक्ति परीक्षा लेती है और आप उसमें मना कर देते हैं किसी इंसान की मदद करने से, या किसी भी रूप में शक्ति आती है आप उसको नकार देते हैं, तो आपका उपाय सफल नहीं हो पाएगा। किसी से भी झूठ नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपको ये थोड़े थोड़े विषय जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको सफलता दिलाने में। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो 100% आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सफलता आपको 100% मिलेगी। और आप चैनल पर बहुत से लोगों के अनुभव देख सकते हो। यदि आप अपना कोई कार्य भी करवाना चाहते हो, जैसे कि षटकर्म में यदि आप तंत्र मंत्र सीखने में इच्छुक हैं और आप साधना करना चाहते हो अप्सरा, परी, यक्षिणी, भूत प्रेत, जिन जिन्नाथ की या कोई देवी शक्ति की, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपना कोई कार्य भी करवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे बहुत से ऐसे उपाय जो बहुत गुप्त हैं और जिसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और अंतिम में आप सभी के लिए विशेष सूचना, कोई भी उपाय कर रहे हैं तो गुरु अवश्य बनाएं, उसके बाद ही आप कोई उपाय करें या कोई साधना करें, अन्यथा नुकसान के भागीदार आप खुद होंगे। मैं अपनी वीडियो में आपको सिर्फ उपाय देता हूं, तरीके बताता हूं कि इस तरीके के उपाय होते हैं। मैं आपको करने के लिए नहीं बोलता हूं। यदि आप करना भी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माँ शमशान काली।